हेलो, गुड आफ्टरनून फोर्थ ईयर्स. वी वर इन दी साइकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स इन विच वी ऑलरेडी हैड वी ऑलरेडी टॉट अबाउट दी व्हाट वाज सॉरी आई फॉरगेट एक्चुअली आई जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग. फर्स्ट वी सॉ अबाउट द बेबी ब्लूज दैट वी ऑल्सो कॉल द पोस्टमार्टम ब्लूज. इसके बारे में हमने डिस्कस किया था. मदर को सडनली शी फील लाइक शी इज़ कम्प्लीटली सैड और शी फील लाइक हैड क्राइड समटाइम्स. तो दिस वॉज ऑल अबाउट दी साइकोलॉजिकल और बेबी ब्लू यू कैन से. नेक्स्ट इज पोस्टमार्टम डिप्रेशन. दिस इज पोस्टमार्टम डिप्रेशन इन विच विल सी वॉट विल हैपन. लेट्स सी. या इट इज़ मॉडरेट टू सीवियर डिप्रेशन. अच्छा, ये मैंने डिस्कस कर लिया था. ये वुमेन को डिलीवरी के बाद थोड़ा थोड़ा डिप्रेशन रहता है, बट धीरे 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 बढ़ते बढ़ते ये डिप्रेशन बढ़ जाता है और सीवियर हो जाता है. कभी कभार ये जो होता है वो अप टू ए ईयर तक भी होता है, उसके बाद भी होने के चांसेस होते हैं इस टाइप के पोस्टमार्टम डिप्रेशंस. ओके, डिप्रेशन बहुत माइल्ड होता है आफ्टर डिलीवरी, बट धीरे धीरे द माइल्ड लीड्स और द मॉडरेट लीड्स टू द सीवियर डिप्रेशन. ओके, दीज आर द कॉजेज ऑफ दिस पोस्टमार्टम डिप्रेशन. वुमेन कॉमनली हैव मूड चेंजेस. मदर को कई बार 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 मूड चेंजेस होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, स्पेशली आफ्टर द डिलीवरी. ऑब्वियसली होता है बिकॉज ऑफ द हम इवन इन द मेंसेस और मेंस्ट्रुअल पीरियड वी फील दैट कभी कभार चिड़चिड़ापन, कभी कभार वी विल लाइक ऑल राइट वी विल हैप्पी, कभी कभार ऐसा लगता है किसी को मारूं. तो इस टाइप के मूड स्विंग्स होते हैं, मूड चेंज होते रहता है. तो सोचो दिस इज़ ओनली हम जब मेंस्ट्रुएशन में होते हैं तब होता है. अब सेम हॉर्मोन्स आर एक्सेस इन लेवल ड्यूरिंग दिस डिलीवरी और पोस्टमार्टम पीरियड, तो ऑब्वियसली होगा मूड चेंज, मूड स्विंग्स. ओके, these more changes may be caused by the changes in the hormones level obviously. okay, next is many non hormonal factors may also affect. maine bataya tha mood during this period, mood cue swings hota hai, ye reason maine bataya tha. changes in your body from pregnancy and delivery, already had this one. changes in work and social relationship. वर्क चेंज हो जाता है. कहाँ प्रोफेशनल वर्क करते थे, अब आप कम्प्लीटली हाउस वाइफ भी नहीं हो, आप केवल अपने बेबी के एक मदर हो, ऐसा वाला लाइफ हो जाता है. सोशल रिलेशनशिप इज़ कम्प्लीटली योर मीन्स योर डिसकनेक्टेड कम्प्लीटली विद योर सोशल रिलेशनशिप. हैविंग लेस टाइम एंड फ्रीडम फॉर योर सेल्फ. ऑलमोस्ट मुझे ऐसा फील हो रहा है दिस ऑलरेडी कम्प्लीटेड. लेट्स सी द सिम्टम्स ऑफ साइकोलॉजिकल डिप्रेशन और पोस्टमार्टम डिप्रेशन वी कैन से. पोस्टमार्टम ब्लू में हमने देखा था, पोस्टमार्टम ब्लू में ऑलमोस्ट थोड़ा सा मैचिंग हो रहा है. सिम्टम्स आर लाइक फर्स्ट इज इरिटेबिलिटी, मदर को चिड़चिड़ाहट रहेगी इन द डिप्रेशन. चेंज इन एपेटाइट, इसमें मदर का एपेटाइट चेंज हो जाएगा. इसमें हम जब ब्लू देखे थे पोस्टमार्टम ब्लू, उसमें मदर इज सैड, मदर सैड रहती है, अटेंशन नहीं मिलता है मदर को, क्राई करने की कोशिश करती, तो इस टाइप के दुखी दुखी रहती है. बट दिस इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट ब्लू और पोस्टमार्टम ब्लू. पोस्टमार्टम डिप्रेशन में मदर कम्प्लीटली मदर उसको किसी चीज़ की खुशी नहीं रहेगी. ऑल द टाइम शी विल बी सैड, चिड़चिड़ापन रहेगा, ना खाएगी, मतलब भूख नहीं लगेगा, फीलिंग डिप्रेस द मेजोरिटी ऑफ द डे, ऑलमोस्ट एवरी डे ऑफ द वीक केवल डिप्रेस रहेगी. फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस और गिल्ट, और ये सिचुएशन हमेशा किस में होता है पता है, फीलिंग विदड्रॉन और अनकनेक्टेड, फीलिंग ऑफ वर्थलेस, गिल्ट, ये सब उस वुमेन को दिखता है जिस वुमेन में लड़की हुई होती है, बेबी गर्ल हुआ रहता है. तो उनकी फैमिली उनके साथ इस टाइप का बिहेवियर जिस फैमिली में दिखता है, अक्सर इस उस फैमिली के वुमेन को चांसेस होता है साइकोलॉजिकल डिप्रेशन. गिल्ट मदर को रहता है कि मैं लड़का पैदा नहीं कर पा रही हूँ. वर्थलेस फील होता है, वर्थलेसनेस फील होता है कि क्या मैं कभी लड़का पैदा नहीं कर. तो इस टाइप का भी कहीं ना कहीं मेंटालिटी इन्फ्लुएंस द वुमेन और पुश द वुमेन टुवर्ड्स द साइकोलॉजिकल डिप्रेशन. ओके, लेट मी गिव यू अटेंशन.
या देन लेट्स सी अबाउट फीलिंग विदड्रॉन और अनकनेक्टेड, अलग अलग सा फील करती, लैक ऑफ प्लेजर इंटरेस्ट इन मोस्ट और ऑल एक्टिविटीज़, उसको किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता है, ना ही बच्चे को लेने में, खिलाने में, किसी भी चीज़ में उसको इंटरेस्ट नहीं होता. ऑल द टाइम शी लाइक डिप्रेस्ड, और एक मतलब उसको किसी चीज़ की हैप्पीनेस नहीं रहती. जैसे हमने पोस्टमार्टम व्यू में देखा था, मदर को अपने बेबी आने की खुशी तो रहती, बट एट द सेम टाइम शी लाइक शी फील सैडनेस ऑल्सो, बट उसको कहीं ना कहीं अपने बेबी के साथ इन्वॉल्व तो रहता है. बट दिस डिप्रेशन इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल. मतलब डिप्रेशन नहीं होना चाहिए, मैं ये कहूँगी, डिप्रेशन इज़ वेरी बैड थिंग. सिग्निफिकेंट वेट गेन और वेट लॉस, कई कई वुमेन को वेट गेन होता है, किसी किसी को वेट लॉस भी होता है. एक्सट्रीम इंसोमिया, स्लीपिंग ऑल द टाइम्स. आपको पता है, आपको थर्ड ईयर पढ़ चुके हो, आप थर्ड ईयर पढ़ चुके हो, आप जानते हो डिप्रेशन क्या होता है. आप जानते हो जब मदर लॉस ऑफ एनर्जी, क्वाइट क्वाइट मैं आ रही हूँ, प्रॉब्लम्स डूइंग टास्क एट होम और वर्क, बहुत उसको प्रॉब्लम्स होने लगती हैं घर के काम करने में, और किसी भी प्रकार के टास्क करने में उसको प्रॉब्लम्स होने लगती हैं. नेगेटिव फीलिंग टुवर्ड्स द बेबी, शी फील लाइक बिकॉज ऑफ द बेबी ओनली दिस ऑल हैपनिंग, शी फील गिल्ट लाइक वाई आई डिड सो, मतलब इस टाइप का शी फील. तो ऑल द टाइम शी फील नेगेटिव. सो दिस इज़ द कंडीशन ऑफ डिप्रेस्ड वुमेन ड्यूरिंग द पोस्टमार्टम पीरियड. हियर सम हेल्पफुल टिप्स आर देयर विच यू हैव टू टीच ए वुमेन सफरिंग फ्रॉम पोस्टमार्टम डिप्रेशन, और यू पीपल आर द ओनली वन हु कैन काउंसिल दैट वुमेन और ट्राई टू रिड्यूस हर डिप्रेशन. सी फर्स्ट वॉट यूल से, वॉट यूल आस्क टू ए वुमेन, आस्क द पार्टनर फैमिली एंड फ्रेंड्स, आस्क द पार्टनर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड फ्रेंड्स ऑफ द वुमेन फॉर हेल्प विथ हर बेबी. आप उस आपके पार्ट मतलब अगर किसी वुमेन को इस टाइप की प्रॉब्लम है, तो उसकी फैमिली, उसके फ्रेंड्स, उसके पार्टनर को हेल्प के लिए हमको बोलना है, क्योंकि हो सकता है वुमेन बेबी के साथ, बेबी एक तो उसको ऐसी गिल्ट होगा कि मेरे साथ ये क्या हादसा हो गया है, लाइक हाँ एग्जैक्टली ये फील होता है वुमेन को, बिकॉज वी ऑल्सो वी पीपल नो दैट दिस इज़ वेरी वेरी प्राइवेट एरिया, एंड दिस प्राइवेट एरिया समवेयर द पीपल ऑफ विलेज और समवेयर द पीपल आर स्पेशली वुमेन्स आर वेरी शाई, सो दे आर नॉट एबल टू कॉपरेट दैट सिचुएशन, और दे आर नॉट, कई वुमेन ऐसी होती हैं जो एक्सेप्ट नहीं कर पाती, अरे यार क्या हो गया, लाइक दिस लाइक दिस. तो स्पेशली इट हैपन्स इन द प्राइमरी वुमेन. तो इस सिचुएशन में विल टीच विल हेल्प मदर कि वो उसके वो उसको साइकोलॉजिकल जो डिप्रेशन में उसको थोड़ा रिफ्रेश कर सकें हम लोग, कुछ इस तरह से उसके फैमिली मेम्बर्स को, पार्टनर्स को, उसके फ्रेंड्स को हमको बोलना है, ताकि वो उनको एंटरटेन करें, उनको डाइवर्ट करें अगर कुछ डिप्रेशन है तो. ओके, एडवाइज अ वुमेन डजेंट हाइड हर फीलिंग्स, और इफ़ देयर विल बी फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, दे विल आस सो मेनी टाइम्स टू वुमेन, अगर उनसे बात करेगी, पूछेगी कि क्या हुआ है, तो हो सकता है इट मे बी शी कैन शेयर हर फीलिंग्स. जब तक वो अपने फीलिंग्स शेयर नहीं करेगी, टॉक अबाउट हर फीलिंग विथ हर पार्टनर, फैमिली, फ्रेंड्स, जब तक वो बोलेगी नहीं, तब तक वो और सीवियर डिप्रेशन में जाने लगे. इसलिए देर इज़ अ नीड टू डिस्कस, देर इज़ अ नीड टू शेयर द फीलिंग्स व्हाट शी इज़ फीलिंग ड्यूरिंग दैट पीरियड. ओके, डोंट मेक एनी मेजर लाइफ चेंजेस ड्यूरिंग और राइट और राइट आफ्टर गिविंग बर्थ. ट्राई टू गिव द पीसफुल एनवायरमेंट, ट्राई टू गिव द कम्फर्टेबल लाइफ टू ए वुमेन आफ्टर द डिलीवरी. डोंट गिव सच ए बर्डन ऑफ होम ऑल्सो, डोंट गिव सच ए बर्डन ऑफ फैमिली, ईच फैमिली मेम्बर्स, बिकॉज शी ऑलरेडी हैव इन बर्डन ऑफ फिजिकल एंड मेंटल
टॉर्चर, नॉट वी कैन से टॉर्चर, फिजिकल एंड मेंटल इरिटेबिलिटी इज देयर बिकॉज सो मेनी चेंजेस इन मेंटल और फिजिकल. आफ्टर देन शी इज़ हैविंग हर बेबी विच इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन हर मदर. सो दीज आर द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए वुमेन आफ्टर द डिलीवरी. सो इन दिस सिचुएशन डोंट गिव एक्स्ट्रा बर्डन ऑफ फैमिली मेम्बर्स सो दैट शी कैन बी क्वाइट रिलैक्स फ्रॉम अदर थिंग्स. तो कोशिश करना है हमको ये चीज़. ओके, डोंट मेक एनी मेजर. सो दिस हैपन. नेक्स्ट इज एडवाइस हर टू टेक टाइम टू गो आउट. डेफिनेटली दिस इज़ वन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. वॉट विल हैपन आफ्टर द डिलीवरी? ए वुमन इज बाउंडेड इन ए रूम, तो देर इज़ अ नीड टू गिव गो आउट, शेयर हर फीलिंग्स. आप सोचो अभी कोरोना में आप लोग घर के अंदर हैं, और जब लॉकडाउन था तो आप लोग कंप्लीटली घर के अंदर थे, तो आपको कैसा लगता था? मतलब रूम में बंद, और बाहर जाओ, कुछ देखो, घूमो, थोड़ा सा माइंड फ्रेश लगता है. तो सेम विल हैपन विद द वुमेन आल्सो. ओके, स्पेंड टाइम अलोंग विद हर पार्टनर. कई बार वुमेन क्या होता है, बेबी आने के बाद शी इज़ नॉट हैव मच टाइम फॉर हर पार्टनर, शी कांट एंजॉय विथ हर पार्टनर. तो समटाइम्स वी एज ए नर्स वी सजेस्ट इवन पार्टनर एंड वुमेन टू गिव टाइम ए वुमेन टू विथ हर पार्टनर, नॉट ओनली विद द बेबी. सम प्राइवेट गॉसिप, मतलब आई थिंक आई बिलीव दैट ओनली हस्बैंड एंड वाइफ आर the one who can share their feelings or they can understand with each other. Okay, तो ये ज़रूर मिलना चाहिए एक वुमेन को. Advise her to rest as much as she can, sleep when the baby is sleeping. ये तो आपको बोलना ही है, बेबी जब सोता है तो ट्राई करे कि घर का काम ना करे, वो सोए उस टाइम पर. Advise her to rest as much as she can. कोशिश करो कि इस टाइप के वुमेन को रेस्ट ज़्यादा मिले. ठीक है, टॉक विथ अदर मदर और जॉइन ए सपोर्ट. एग्जैक्टली मैंने लास्ट क्लास में बोला था ये चीज़. मैं ड्यूरिंग माई टाइम आई वॉज नॉट सपोर्ट विद द डिप्रेशन और एनी डिसऑर्डर, सॉरी एनी पोस्टमार्टम ब्लू, लाइक या आई फील समटाइम इरिटेबिलिटी वॉट इज़ माई लाइफ बिकॉज आई वॉज वेरी प्रोफेशनल. आई वेंट टू कॉलेज टिल 9 months. तो आई वॉज like how I will be there in home, in a room, in a single room with, I don't have my mother-in-law or father-in-law or my mother, in fact me, my husband and my baby was there. तो हम लोग के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता था. स्टिल आई managed everything, but irritability होती है. Talk with other mothers. मैं हमेशा what I tried कि मेरे पास फ़ोन था, आई गॉसिप टू माई फ्रेंड्स इन इन मोबाइल और चैट करती थी. कुछ कुछ मदर्स का जो गूगल पे रहता था उनके व्यूज़ पढ़ती थी. तो ये सब हेल्प करता है एक वुमेन को ड्यूरिंग दिस पीरियड. नेक्स्ट, डिलीवरी रिलेटेड एंग्जाइटी, स्ट्रेस, रिएक्शंस एंड ट्रोमा. दिस इज़ वन अदर thing which mother feel after the delivery. Let me send this first, then we'll discuss later.